हेलो बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है स्मार्ट रैंकस क्लासेस में। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक का रिव्यू करने वाला हूं। और सबसे पहले हम लोग इस बुक की खासियत देखेंगे, क्या खासियत है और किन लोगों को ये बुक पढ़ना चाहिए, साथ में कौन कौन से एग्जाम के लिए ये बुक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी देखेंगे कि इस बुक की प्राइस कितनी है, पेज क्वालिटी क्या है, कंटेंट कैसा दिया है, एक्सप्लेनेशन कैसा है और डायग्राम किस तरीके से एक्सप्लेन किया है और बुक किस तरीके से बनाया गया है, राइटर कौन है, बाकी सभी चीजों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बुक के रिव्यू पे बेस है। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बुक किस सब्जेक्ट की है। तो सबसे पहले ये बुक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, और ये जो बुक है वो एक फॉरेन राइटर का है, मतलब इंडिया के राइटर इस बुक को नहीं लिखे हैं। तो इस बुक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, और ये जो राइटर हैं इसकी वो हैं क्लेडन, जोनाथन क्लेडन, निक ग्रिफ्स एंड स्टुअर्ट वॉरेन, ये तीन राइटर मिलके इस बुक को बनाए हुए। और बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होते हैं उसकी तैयारी करते हो, अब मैं बुक के अंदर देखूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले इस बुक में इस तरीके से कवर पेज दिया हुआ है, और फिर यहां पे कंटेंट दिया हुआ है बुक में कि हमें क्या पढ़ने। तो हमें कंटेंट में पढ़ना है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, डिटरमाइनिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ग्रुप, डीलोकलाइजेशन एंड कंजुगेशन। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है एसिडिटी, बेसिसिटी एंड पीके वैल्यू, यूजिंग ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट टू मेक सीसी बॉन्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल ग्रुप चैप्टर नंबर 10। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है 11th में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, इक्विलिब्रिया रेट्स एंड मैकेनिज्म, HNMR, स्टीरियोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट सैचुरेटेड कार्बन, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन, फॉर्मेशन एंड रिएक्शन ऑफ इनोल्स एंड इनोलेट्स, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कॉन्जुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, चेमो सिलेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिंग ग्रुप, रेडियो सिलेक्टिविटी, एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एंड रिएक्शन ऑफ इनोलेट्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड, द एल्डोल एंड क्लेजन रिएक्शन, सल्फर सिलिकॉन्स एंड फास्फोरस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक टू पहले में रिएक्शन फिर सिंथेसिस, फिर सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक्स एंड स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टीरियो सिलेक्टिव इन साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 33 पे डाई स्टीरियो सिलेक्टिविटी, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट टू, पार्टिसिपेशन, रेडिकल रिएक्शंस, सिंथेसिस एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बिन्स, डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, एसमेटिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू डी, मतलब टोटल 1169 पेज यहाँ पे है। अगर सब मतलब बुक का अगर आगे और भी बढ़ाया जाए तो 1187 पेज है इंडेक्स लेकर के। अब तो हमने पूरे चैप्टर को ओवरव्यू कर लिया कि किसमें क्या क्या पढ़ना है। इस तरीके से ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस बुक का है। आगे हम लोग कुछ बात करते हैं कि ये बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए और इसकी पेज क्वालिटी कैसे है। तो और कुछ इस बुक की खासियत दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे जितने भी फिगर बनाए गए हैं इस बुक में, जितने भी फिगर है, जो भी चीजें हैं, सब कलरफुल पेजेस हैं। देखिए आप लोग, सभी चीजें जो हैं वो कलरफुल हैं, मतलब आपको हर एक पॉइंट अच्छे अच्छे से समझ में आएगा। और जो पेज क्वालिटी है इसकी, देखिए चमक और जो इसकी ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छी बुक की है, समझे। और हर एक चीज कलरफुल, एरो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, साथ में कुछ चीजें आपको नोटिस करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी चीजों को साइड साइड में एक्सप्लेन किया गया।
देखिए जैसे यहाँ पे हर एक चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई, और फॉर्म और फिगर भी अच्छे से यहाँ पे देखिए बनाए गए हैं। देखिए हर एक चीजें। तो ये बुक आपको खरीदना क्यों चाहिए? सबसे पहले क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल डायग्राम के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करती है, और डायग्राम से ही हमें बहुत सारी चीजें समझ में आता है। इस वजह से केमिस्ट्री को यदि आपको स्ट्रांग बनाना है तो अलग अलग एंगल से उसको देखना पड़ता है, और थोड़ा सा केमिस्ट्री कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आते उनको बोरिंग भी लगता है। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज की गई, और हर एक एक्सप्लेनेशन जो है इस बुक का बहुत ही अच्छा है। अब बात आती है कि बुक पूरी तरीके से कलरफुल है। बुक अगर आप लोग किस क्लास में तो आपको पढ़ना चाहिए इसके बारे में लोग बात करते हैं। तो बुक यदि आप लोग क्लास 12th पास आउट कर चुके हैं, और यदि आपको 12th के पास आउट होने के बाद आपको डायरेक्ट कोई जॉब पाना है, तब तो ये बुक आपके लिए उतनी कारीगर नहीं है। लेकिन यदि आप पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको, जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तभी आप इस बुक को खरीद लें, क्योंकि इन फ्यूचर में आप जो भी एग्जाम देंगे तो उसमें एक अच्छे बुक की इन्वायरमेंट जरूरी होती है, और अच्छे बुक में क्वेश्चन अच्छे ढंग के होते हैं और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा होता है और सभी चीजें अच्छी होती है। तो इस वजह से बुक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ऑफ ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए, या फिर आप यदि नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आपको इस बुक को एक बार अच्छे से समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। बुक को पढ़ने में एकदम आनंद आएगा, अच्छी चीजें से एक्सप्लेनेशन की गई है। कुछ पॉइंट आपको फायदे ये भी है कि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि इस बुक के पेज को भी, एक एक पेज को उठा उठा के अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब कि हेल्प, एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगा, जिससे आपको जो चीजें नहीं समझ में आती वो भी चीजें समझ में आ सकती हैं। तो इस बुक की जो प्राइस है वो मैं अभी तक जितने भी बुक अपने लाइफ में खरीदा हुआ हूँ, जितने भी बुक मैं लिया हूँ, उन सभी बुक में ये बुक की प्राइस सबसे अधिक है। प्राइस इसकी हमें पड़ी थी 2000, 2000 की बुक है, 2000 की बुक है। और बुक की जो मोटाई है वो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी बुक में 1300 पेज है तो वो कितनी मोटी होगी। बुक की मोटाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखिए आप लोग इतनी मोटी ये बुक है। और इसकी जो शॉपिंग हम किए हैं वो आज ही आई हुई है, और ये ऑफलाइन से हमने मंगाया हुआ था। तो इस बुक की प्राइस 2000 के लगभग है, आप लोग बताइएगा। और यदि आप देखिए, अगर आप 11th 12th में पढ़े तब तो आपके लिए बुक नहीं जरूरी है, लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और फिर इसके बाद अच्छे अच्छे एग्जाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।